भैया वो नहीं रहा, मेरा झूठा काम नहीं होने का। क्या मामला है? देखिए मेरठ डिस्ट्रिक्ट में क्राइम की सेंसिटिविटी तो रहती है, हम लोग लगातार चेकिंग और फिशकिंग ये सब सारे काम कर रहे हैं इधर। इसी बीच आज लिसाड़ीगढ़ थाना क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी, उसी में हम लोग के पास कुछ दिल्ली पुलिस से भी इनपुट थी, दिल्ली पुलिस की टीम भी इधर कुछ काम कर रही थी। हम लोगों ने उस इनपुट पे आगे चेकिंग को और भी इंटेंस किया, उसमें हम सुहेल गार्डन एरिया में जब ये चेकिंग चल रही थी उसी समय स्कूटी पर आ रहे दो व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, दोनों रुके नहीं, बजाय रुकने के उन लोगों ने फायर किया पुलिस पे और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, उसमें से एक व्यक्ति को चोट लगी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे उनसे पूछताछ की तो पता चला ये दोनों बड़े शातिर किस्म के बदमाश हैं और इन लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस से 1-1 लाख का इनाम है और मेरठ पुलिस से 25-25 हज़ार का इनाम है। ये पहले भी काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं और इनके विरुद्ध अभी जो भी बाकी आपराधिक इनके रिकॉर्ड्स हैं इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऐसे जो जानकारी मिली है ये नोटेड इंटरेस्टेड आर्म सप्लायर है। सर इनसे कुछ बरामद हुआ है क्या? इनके इसमें से एक के पोजीशन से पिस्टल और दूसरे के पोजीशन से CMP बरामद हुआ है और इनके पास लाइव कार्टिजेस भी थे मौके पर, जब ये फायर करे तो वहाँ से एम्प्टी कार्टिजेस मिले हैं हम लोगों को और जो ये स्कूटी यूज़ से जिससे भाग रहे थे जिससे ये अपराध करने की फिराक में होंगे वो भी हमें बरामद। किस घटना के संबंध में, किस घटना को अंजाम देने में? ये तो अभी पूछताछ से पता चलेगा कि आखिर इन लोगों के नाम क्या है। इनका एक का नाम समीर है, दूसरे का नाम फुरकान है और दोनों लिसाड़ीगढ़ के रहने वाले हैं। कितने मुकदमे मान चुके हैं? अभी ये पता कर रहे हैं, अभी तो तत्काल ये दिल्ली पुलिस से एक पुलिस मुठभेड़ में वांटेड चल रहे हैं। थैंक यू।